को जाने दी। हम उनके खिलाफ, हम समाजवादी नहीं है कि हम पार्टी से निकाल दिए, नगर सेवक अपनी जगह कायम नहीं कर सके, न्याय नहीं कर सके, इसके लिए हम जो है आप इस कॉर्पोरेशन में बैठने के काबिल नहीं हो, हम जाके वहाँ पर ताला लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धरना आंदोलन जो हमारा था, कई रोज से हमारा चल रहा, तकरीबन एक महीना पहले हमने कमिश्नर साहब को एक लेटर दे के दरख्वास्त की थी कि आपको हम 10-12 दिन का वक्त देते हैं और इसमें कम से कम, नया रोड बारिश है नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम खड्डे भरने का काम आपकी। आप जो है जमहूरियत के रास्ते से आने की कोशिश की है, लेकिन आप आने के बाद जो है इस संस्था के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ इंसाफ नहीं कर सके, न्याय नहीं कर सके, इसके लिए हम जो है आप इस कॉर्पोरेशन में बैठने के काबिल नहीं हो, हम जाके वहाँ पर ताला लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे पुलिस वाले साहब जिंदाबाद, आपको जाने दी, आपकी जिंदाबाद। कांग्रेस के सभी बहनों भाइयों, नगर सेवकों और सभी फ्रंटल सेल के सभी अध्यक्ष और उनके सभी कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में आपने शहर के इस इतने बड़े मसले, रास्ते के मसले पर आप जो है तकरीबन 3 घंटे से यहाँ पर आए और अपना आंदोलन दर्ज किया। हमारा आंदोलन का आखिरी भाग जो था गेट पर ताला लगाने का था, ताकि ये जो है नालायक लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे अधिकारी हो कि पदाधिकारी हो, उनको ना हम बाहर जाने देंगे ना अंदर आने देंगे। का धरना आंदोलन जो हमारा था, कई रोज से हमारा चल रहा, तकरीबन एक महीना पहले हमने कमिश्नर साहब को एक लेटर दे के दरख्वास्त की थी कि आपको हम 10-12 दिन का वक्त देते हैं और इसमें कम से कम, नया रोड बारिश है नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम खड्डे भरने का काम आप कीजिए। और ये पहला गणपति मैं अपनी लाइफ में 35 साल के राजकीय जीवन में देख रहा हूँ कि पहली गणपति में खड्डे वैसे के वैसे ही रहे और इसी खड्डों के बीच में लोगों ने गणपति जैसा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो है लोगों ने मनाया, लेकिन उसके बावजूद 8-10-12 दिन कोई भी काम नहीं हुआ। जो खड्डे भरते थे वो मिट्टी में मिला के, कीचड़ में मिला के भरते थे, हमने उनसे फ़ोन करके कहा भी कि इस तरह से मिट्टी कचरे में मिला के अगर आप भरते हो वो सब निकल जाता है और कोई फ़ायदा नहीं, म्यूनसिपल्टी का करोड़ों रुपया इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। सर देखिए, कांग्रेस सब किसी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, हर किसी को अगर ख़तरा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है। एनसीपी ने पहले जो है हमारे 18 नगर सेवकों को पैसे के बल पर तोड़ के लेके गए। हम उनके खिलाफ़, हम समाजवादी नहीं हैं कि हम पार्टी से निकाल दिए, नगर सेवक अपनी जगह कायम रहे। हमने पहली मर्तबा कोकण कमिश्नर के सामने केस दाखिल किया और सभी कॉरपोरेटर को डिस्क्वालीफाई करने का हमने, सर बात निकालने ऐसा कुछ नहीं है, पहली मर्तबा। और ये खड्डे जो है आप बोल रहे हो कि पहली मर्तबा, ऐसा नहीं हुए, लेकिन इतनी ख़राब हालत जो है ना, मैं समझता हूँ कि इससे पहले शहर की इतनी ख़राब हालत नहीं थी। और कहीं ना कहीं आज ये हालत हमारे 18 नगर सेवक जाने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, 28-29 नगर सेवक आज हमारे इस कॉरपोरेशन में हो, ये राय। हमारा गुस्सा इस पर भी है कि महापौर जो है या उनके लोग हमारे कॉरपोरेटर जाते हैं, उनका काम नहीं होता है। हालांकि जो जनरल बोर्ड में कोई उसको विरोध नहीं कर पाता, हमारे कॉरपोरेटर का जो ठहराव हुए काम है उस पर महापौर जो है, जो लोग गद्दारी करते हैं उनके ठहराव पर सही करती है, और जो हमारे नगर सेवक है उनके ठहराव पर दस्तखत नहीं करती, जिसके जरिए के कमिश्नर जो ऑर्डर करके वर्क ऑर्डर इशू करे।
इसकी शिकायत हमने ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को की है, हमारे सीनियर मिनिस्टर को की है और हमने उससे कहा कि कमिश्नर को बुला के ऐसा नहीं है। देखो आज जो भी काम हो रहा है शहर में हमारा जो 2.5 साल में जो काम हुआ है, जो हमने काम पास किया है, जिसकी शुरुआत की है, जो प्रोसेस में है, आज ये एक काम बता दे मैं कि ये 2.5 साल में इन्होंने ये नया काम पास किया और ये काम हो रहा है, वही पीरियड का। ठीक है, प्रोसेस में कुछ 2 साल 2.5 साल 1 साल लगता है, वो प्रोसेस का ही काम आज भी शुरू हो रहा है। सर तो देखो भिवंडी की जनता कांग्रेस को चाहने वाली है और 18 नगर सेवक आपसे बगावत करे, हमारे 18 नगर सेवक बगावत करे और इसीलिए हमने कोंकण डिवीजन में केस दाखिल किया है। कोंकण डिवीजन भी कमिश्नर भी किसी न किसी दबाव के तहत उसमें जो आके तारीख दे रहा था, हमारे लोग जो है हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने उनको अब निर्देश दे दिया है।